हेलो बच्चों, मैं दीपक सर आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वही अपना कोऑर्डिनेशन की यात्रा। उप संयोजी यौगिक, आप थोड़ा सा तो जानकारी ले ही चुके हो पुराने वाले वीडियो में, और आज अपन कुछ कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। बेटा क्या क्या इसकी जो नींव है बेटा, अगर आप नींव पकड़ लोगे इसकी तो ये टॉपिक आपका बहुत शानदार हो जाएगा, आपकी जेब में चला जाएगा ये टॉपिक और सारे मार्क्स आपकी जेब में होंगे। तो यहाँ से अपन पढ़ रहे हैं भैया वापिस टाइप्स ऑफ लिगेंड बेसिस ऑन डेंटिसिटी, दंतुरता के आधार पर लिगेंड के प्रकार, दंतुरता के आधार पर लिगेंड के प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान देना। लिगेंड के प्रकार पहला जो आता है बेटा अपने पास में, पहला आता है अपने पास में मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड। कौन सा? मोनोडेंटेड, इनको यूनिडेंटेड बोलते बेटा। मोनो में बोल दो, यूनि बोल दो, एक ही बात है। या हिंदी में बोलना चाहो तो क्या बोलो, एक दंतूर। क्या बेटा? एक दंतूर लिगेंड, एक दंतूर। इट मीन्स देने वाला बंदा सर एक रहेगा, डोनर आइटम क्या रहेगा? एक रहेगा। जैसे एग्जाम्पल ध्यान होगा, और कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे पानी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, नहीं पानी नहीं है, जीवन उसका ठंडा पानी। हेनरी लॉ में समझाऊंगा आपको क्यों जीवन उसका ठंडा पानी है। इसको बोलते हैं बेटा एक्वा। क्या बोलते हैं? एक्वा। नाम याद रखना इनके, यहाँ पानी निकला, जल निकला, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है। एनएस3, एनएस3 को क्या लिखेंगे बेटा? एमी लिखेंगे यहाँ पे। और ये भी क्या है? एक दंती लिगेंड बेटा। CN-, ये भी सर क्या है? एक दंती लिगेंड। क्या बेटा? एक दंती लिगेंड है। साइन बोलते हैं सर। CL-, BR-, H-, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे बेटा? एक दंतु लिगेंड के अंदर आ जाएंगे, जहाँ पे डोनर आइटम क्या रहेगा बेटा? एक। देने वाला बंदा क्या रहेगा? एक। डोनर पे कितना देगा? एक। क्लियर है? इसके बाद में आता है अपने पास बाइडेंटिटी लिगेंड। कितना? कौन सा वाला बेटा? बाइडेंटिटी लिगेंड पढ़ता अपन। द्विदंतु लिगेंड। कौन सा? द्विदंतु लिगेंड। बाइडेंटिटी या फिर डाइडेंटिटी बोलते थे। यहाँ पे देने वाले बंदे क्या रहेंगे बेटा? सर यहाँ पे देने वाले बंदे रहेंगे दो, मतलब डोनर जो एटम रहेगा वो क्या रहेगा? यहाँ पे दो बंदे दे सकता है, ठीक है। इसके एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। और चार्ज भी यहाँ से भी देख लेना आप, चार्ज वगैरह सारा सीन। EN सर, EN क्या है? वही एथिलीन डायमिन। और सर GLY सर, ये क्या होता है सर? ये होता है बेटा ग्लाइसिनेटो। क्या होता है ये? ग्लाइसिनेटो। नेटो क्यों सर? इसके ऊपर बेटा चार्ज होता है -1। क्या होता है? -1 सर। इसका स्ट्रक्चर भी बना दो ना सर, हाँ हम तो साथ के साथ ही समझ लेंगे सर। तो बेटा एक कार्बन उठाना, यहाँ नाइट्रोजन चिपका देना, और यहाँ क्या कर देना? C00- कर देना। चीन टपाक डम डम, हम सबका एक ही मकसद है बेटा, स्ट्रक्चर बना के देखो। नेगेटिव देने वाले बंदे कौन से होते हैं? जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? लोन पेयर दिख रहा है। जहाँ आपको नेगेटिव दिख रहा है, मतलब वो देने वाले बंदे हो जाएंगे। इन जनरली आपके दिमाग में थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट फिट होना चाहिए। देखो ध्यान से, लोन पेयर नेगेटिव, देने वाले बंदे सर कितने हैं? दो बंदे। क्लियर है मामला बेटा? चलते हैं आगे। इसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट आता है बेटा, कॉन्सेप्ट क्या मतलब, एक और एग्जांपल है अपने पास में EN सर। EN का फॉर्मूला बना दूँ साथ में साथ। इसको बोलते हैं बेटा एथिलीन डाइअमीन। सर इसका फॉर्मूला भी बना दो, कि जितनी बार ज़्यादा बनाओगे बेटा उतना तुम्हें याद होगा। बनाते रहना इनको, मैं तो एक ही बात बोलूँगा बेटा, घुल के जाओ, घुल के। और एक और चीज़ लिख दूँगा यहाँ पे, चार्ज। सर चार्ज क्या सर? चार्ज इसके ऊपर होता है जीरो सर। चार्ज होता है बेटा जीरो। और दोनों की डेंटिसिटी की अगर बात की जाए तो सर, डेंटिसिटी कितनी? डेंटिसिटी कितनी बेटा? 2। ऊपर लिख देना बेटा डेंटिसिटी क्या? 1। क्या डेंटिसिटी क्या हो जाएगी बेटा? क्या हो जाएगी सर? 1 हो जाएगी ना सर, इतना तो हमें भी पता है सर, हाँ। और जो ऑफलाइन में पढ़े हैं उन्हें तो अच्छे से पता होगा बेटा। एक आता अपना बहुत ही प्यारा माँ का दुलारा, ऑक्सिलेटो हमारा,
ओ एक्स वाई, ये तो ऐसे देख सकता है, इसके पावर टू माइनस बोल दो सर, नहीं ऐसे नहीं बोल सकता सर, तो ऐसे बोल दे बेटा, क्या दिक्कत आ रही है, सी टू ओ फोर की पावर टू माइनस बोल दे सर, ऐसे क्यों बोल देंगे सर, हम तो स्ट्रक्चर भी बना देंगे सर, हाँ बना देंगे सर, हमें आता है, क्या आता है, कुछ भी नहीं करना, ये दो कार्बन लेने, इसके ऊपर नेगेटिव लगा, इसके ऊपर नेगेटिव लगा, खत्म कहानी, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। इसके बाद आता है पॉलीडेंटिटी, पॉलीडेंटिटी में सबसे फेमस एग्जांपल ध्यान रख लो, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुदंतु लिगेंड बोलते हैं इन्हें बेटा, क्या बोलते हैं, बहुदंतु लिगेंड, बहु बहु दंतु बहु किसी बहु रेटिना की बहु, बहुदंतु लिगेंड या पॉलीडेंटिक लिगेंड। पॉलीडेंटिक लिगेंड क्या होते हैं बेटा, जिनकी डेंटिसिटी टू या टू से क्या हो बेटा, ज्यादा, मोर देन टू, यहाँ पे डेंटिसिटी क्या रहेगी बेटा, ये शायद कलर अच्छा नहीं लग रहा हो तुम्हें, तो मैं कलर बदल देता हूँ तुम्हारे लिए, हाँ लो कुछ दिख रहा होगा आप तो, अरे हम तो काले हैं कोई दिक्कत नहीं, हमारी टेंशन मत लो, हमारा तो रंग सांवला हुआ बावला, कोई कहानी, यहाँ पे जो डेंटिसिटी रहेगी बेटा दो से अधिक रहेगी, मोर देन टू, ये ध्यान रखो। और इसका फेमस एग्जाम्पल, बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल बेटा क्या है, बता दें बता दें बता दें, EDTA जो पहले वाले वीडियो में बताया था अपने, EDTA के ऊपर चार्ज कितना सर, -4 एथिलीन डाइमिथाइलेट्रा एसीटोन, ये सारी चीज़ों का नॉलेज आपको होना जरूरी बेटा, यहाँ लिख दो, यहाँ पे चार्ज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना चार्ज का सर क्या, 4 डेंटिसिटी सर कितनी इसकी, 6 डेंटिसिटी, इट मीन्स देने वाले बंदे, चार्ज मतलब इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, बस ये ध्यान में रखना है आपको, क्लियर बेटा, ठीक है। एक तो ये डेंटिसिटी वाला कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में होना चाहिए बेटा, और एक चार्ज आपके ध्यान में होना चाहिए, अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट है तो आप इसके बाद बढ़िए भैया किसकी तरफ, वर्नर थ्योरी की तरफ, फिर वर्नर थ्योरी तुम्हारे लिए 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का। तो वर्नर थ्योरी अपन पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वही प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी। तो जैसे कोई सा भी एग्जाम्पल उठाते, सबसे फेमस एग्जाम्पल उठा लेते अपन, क्या सर जो बहुत ही ज़्यादा दिखेगा आपको हर जगह, मैं भी वही उठा लेता हूँ, वही के फॉर ऑल एफ ई सी एन, सी एन की जगह इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ उसको, क्या कर रहा हूँ सर, इसको यहाँ कर देता अपन ई एन, क्या करते बेटा ई एन, और यहाँ कर देते सी एल टू, क्या कर देते बेटा ई एन की पावर टू, यहाँ पे सी एल की पावर टू। अगर इसमें अगर अपन देखा जाए बेटा, तो डेंटिसिटी जो अगर देखेंगे कई लोग, तो सर इसकी डेंटिसिटी या फिर सी एन नंबर क्या बता देंगे इन जनरली, 2+2 4, दिमाग में क्या चलेगा सर इसका सी एन नंबर कितना है 4, ये सरासर गलत है, ये ध्यान देने वाली बात है बेटा, कई लोग छपाक से ऐसे लगा देंगे 2, लेकिन 2 नहीं है, कितनी है बेटा इसमें, ध्यान देना कैसे निकालते हैं डेंटिसिटी, ऐसे देखना सर ये कितना कितने वाला है सर, ये 2 वाला, और कितने बंदे हैं सर 2, 2 इंटू कितना हुआ 4, यहाँ कितना सर 2 सी एल है, और सी एल कौन सा एक दंतु, तो 2, तो 4+2 कितना हो बेटा 6, आया समझ में, तो इसकी जो सी एन नंबर इसका कितना है, सी एन नंबर मतलब उपसंयोजी संख्या कितनी है बेटा इसमें 4 है, लेकिन लगता कैसा, दिखता कैसा है सर, दिखता तो ऐसा है सर ये 2 है सर, ये 2 है, कई मान अस्थित 2+2 = 4, खत्म गया सर, यहाँ EDTA होता तो फिर और मज़ेदार बन जाता कॉन्सेप्ट सर, यहाँ थोड़ा सा एडिट कर दो, यहाँ पे ऐसे लिख दो जैसे कि ये एफ ई, यहाँ पे सी एन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा EDTA लिखा हुआ है, ठीक है मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, ऐसे यहाँ EDTA की पावर क्या लिख दी मैंने 2 लिख दी बेटा, यहाँ क्या लिख दी मैंने 3 लिख दी, इतना बड़ा नहीं करता अपन, मैं पर सोर में बताना चाह रहा हूँ, अगर आप इसकी डेंटिसिटी देखना चाहो बेटा तो बेटा दो डेंटिसिटी, अगर आपको डेंटिसिटी देखनी है फिर सी एन नंबर देखना है आपको, सी एन नंबर अगर आपको देखना है बेटा, सी एन नंबर कई लोग तो बता देंगे टक से देख के सर 2, गलत है 2 नहीं, एक्चुअली में कितना बेटा ध्यान से देखो, इसका कितना सर 1, कोई दिक्कत, इसका कितना, इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है, मतलब जो टोटल डेंटिसिटी आएगी ना अपने को बस उसको काउंट कर देना और कुछ भी नहीं है, इसकी सर कितनी होती है 6, फिर वही कई लोग यहाँ 4 भी करते हैं, वो 4 चार्ज है ध्यान रखना, डेंटिसिटी 6 है बस, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आई, कितनी आ जाएगी सर इसकी डेंटिसिटी 7, मतलब 7 बंदे इसके पास में देने वाले, लिखो बराबर से,
इसकी छोड़ ले लो, नहीं तो बेटा ये जितना भी लिखा है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टकाटक टकाटक। मैं साइड में हट जाता हूँ जब तक मैं जलपान कर लेता हूँ, कर लूँ तुम्हारी परमिशन हो तो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, डेंसिटी सारे कॉन्सेप्ट। अगर जिसको बेटा ये कॉन्सेप्ट आते हैं ना, सर छोटा भी कर दीजिए ना, कई लोग एक साथ ही ले लेंगे सर स्क्रीन शॉट। हाँ ले लो बेटा, ले लिया होगा आपने स्क्रीन शॉट अच्छे से, ले लो जल्दी से, टाक से क्लिक कर दो। और वैसे अगर आपको नोट चाहिए बेटा, नोट्स आपकी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए जाएंगे, उच्च क्वालिटी में नोट्स, बिल्कुल इनसे भी बेहतरीन मिलेंगे वहाँ पे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ पे इतने ही पढ़ाए हैं आपको, और बहुत बहुत सारे हैं इसमें से। पर इतना तुम क्या, अगर तुम इतना याद करो बेटा, सीबीएसई में यही है, सीबीएसई इसमें एनसीईआरटी जो है ना उसमें यही है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीएनएस वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और काफ़ी ईजी टॉपिक बेटा, अगर आप इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं। और यहाँ से क्वेश्चन मैं बता दूँ आपको कि इस टॉपिक के अंदर से मेन जनरली क्वेश्चन कहाँ पर आते हैं बेटा, जनरली क्वेश्चन आते हैं अपने पास में सी ए नंबर कितना है, ठीक है, और अपने पास प्राइमरी वैलेंसी वही सेकेंडरी वैलेंसी से क्वेश्चन बन जाता है, और सर कहाँ से बन जाता है, आईपीसी आईपीएससी नोमेनक्लेचर। आईपीसी नामकरण किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का, वो वाला आईपीसी अलग है, पर चीज़ें बहुत सारी सिमिलर लगेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से वीपीटी से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वीपीटी में वही बनता है अपने पास में, क्या बनता है बेटा, हाँ दीपक सर याद आ, पुराने बच्चों को याद आएगा, जो वीडियो देख रहे हैं आप याद आया कुछ कुछ, सर वीपीटी थ्योरी पढ़ाते अच्छे से, हाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड, हाँ नहीं करोगे प्यार क्या रहोगे बेटा, स्ट्रॉन्ग सी ओ एक्स किसके अंदर चले जाएंगे सर, वीक के अंदर सल्फर ऑक्सीजन एंड हेलोजन, सारी हेलोजन किसके अंदर सर, वीक के अंदर, इन जनरली बस ये ध्यान रखना आप। तो सारे कॉन्सेप्ट बेटा रिलेटेड है, वीपीटी वाला हुआ, सीएफटी हुआ, सीएफटी भी बहुत अच्छा है, सीएफटी में अपन इन जनरल यहाँ से क्वेश्चन बनते बेटा टी टू जी एंड ई जी कैक्स वाले, कौन से वाले, टी टू जी और ई जी कैक्स वाले। तो अगर आप इतना कवर करते हो और थोड़ी सी आइसोमेरिज्म देख लेना, सिस एंड ट्रांस, आइसोमेरिज्म वाली सिस एंड ट्रांस वाली, सर सिस क्या होता है, सिस में ऐसे टिंग, अगर ऐसे कोई है ऐसे, ठीक है, इसमें मतलब बिटवीन एंगल अगर अपने पास कितना बन जाए बेटा, बिटवीन एंगल सॉरी ये सिस नहीं है ये ट्रांस है, बिटवीन एंगल अगर 180 डिग्री है तो कितना बेटा ट्रांस, और बिटवीन एंगल 90 डिग्री है, लड़कियां कैसे करती है, चू नहीं करती फोटो की जाए बात, चू लड़कियां यो हनी सिंह ऐसा याद आ, ऐसे एंगल 180 मांग लेना, मतलब इसमें लिगेंड जो रहेंगे ऊपर नीचे रहेंगे, सीधी सी कहानी, बस उतना उतना लोड नहीं है। तो मिलते हैं बेटा कल सेम टाइम सेम जगह, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इसी टाइप की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मैं दीपक सर आपके लिए ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियो लाता रहूँगा, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।